टाटा जू के हैना के लिए इस बार का वैलेंटाइन डे काफी खुशियों भरा होगा। बरसों से अकेले रह रही हैना अब परिणय सूत्र में बंध जाएगी। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को है और इस पर्व को लेकर प्रेमी युगलों में काफी खुशी देखी जा रही है। जुबली पार्क गुलजार हो चुका है। वैसे इस बार टाटा जू वैलेंटाइन डे के दिन शहर वासियों को नई सौगात देने जा रही है और ये सौगात हैना। आपको बता दे कि बरसों से इस जू में अपने प्रेमी के इंतजार में बैठी हैना का अब इंतजार खत्म हो चुका है। 14 फरवरी के दिन अब इसके प्रेमी से मुलाकात हो जाएगी। वैसे ये पक्षी रांची के बिरसा मुंडा जू से लाया जा रहा है। एक हैना के साथ साथ 15 लव बर्ड भी आएंगे। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने पिछले महीने एक एक्सचेंज प्रपोजल रांची जू जो कि जाना जाता है भगवान बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क के नाम से, उनके साथ और टाटा की जूलॉजिकल पार्क के साथ एक एक्सचेंज का उन्होंने अप्रूवल किया है, जिसमें कि यहाँ से 3 कृष्ण मृग जो सफेद रंग के हैं वो लेके जाएंगे टाटा जू से, और वहां से हम 15 लव बर्ड और एक नर हाइना लेके आएंगे। हमारे पास नर हाइना भी है नहीं, तो उसके प्रजनन के लिए ये फायदेमंद होगा। ये कब तक आ जाने की उम्मीद है? ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 14 फरवरी तक इसको लेके लाया जाए। चलो यानी वैलेंटाइन डे तक पहुंच जाएगा यहाँ? हाँ, तो उम्मीद तो है कि वैलेंटाइन डे में हाइना को एक उसका सहयोगी या उसका जो पार्टनर मिल जाए दोनों मादाओं को।